цена считать потерь. Сумы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь по стене. Заливали поцелуй на шее. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज से हमारा ब्लॉग जो भी होगा आपका भाई का ब्लॉग सारे के सारे हिंदी में आएगा, क्योंकि एक भाई ने बोला मेरे को हिंदी में ब्लॉग बनाने के लिए बांग्ला ब्लॉग अच्छा नहीं लगता। तो गाइज, आज से सारा ब्लॉग बांग्ला में हिंदी में होगा। तो आज हम जा रहे हैं हमारा कॉलेज में। तो और वैसे भी मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, मेरा कॉलेज कैसा है क्या है। तो आज जा रहे हैं हमारा कॉलेज में, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइज, अभी मस्त नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अभी हम मैं घर पे ही हूँ। तो अभी निकलेंगे हम कॉलेज के लिए, थोड़ा खाना वाना खा के अभी निकल जाएंगे कॉलेज के लिए। तो गाइज, आप लोग जो भी तेलियामुरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं देखे तो उनके लिए तो आज नया है, मैं दिखा दूँगा आपको कॉलेज। तो और जो भी देखे तो देखे, तो आज मज़ा बहुत आने वाला है, ज़रूर एंड तक वीडियो में बने रहिए। तो गाइज, अभी हम निकल ही रहे हैं, खाना वाना खा के अभी निकल रहे हैं घर से। तो अभी थोड़ी देर में कॉलेज पहुंच जाएंगे। हमारे साथ और एक है, देखिए इनका तो ब्यूटी पार्लर का काम चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। तो जैसे ही रेडी होगा तो हम चले जाएंगे। और कॉलेज में हमारा दो फ्रेंड वेट कर रहा है, तो जल्दी जाने के लिए कॉल कर रहे हैं बार बार। तो मिलते हैं कॉलेज में। गाइज, पहले प्लान हो रहा था कि गाड़ी से जाएंगे, लेकिन अभी प्लान चेंज, बाइक से जाएंगे। तो तीन लोग बाइक से जाएंगे, हमारा फ्रेंड सुमन भी हमारे साथ जाएगा, तो चलते हैं बाइक में ही। तो और एक हमारे एक फैमिली मेम्बर से मिलाना बाकी है, ये है हमारा जॉनी। आओ जॉनी, चल कॉलेज हमारे साथ कॉलेज चल। इसका बस यही ड्रामा है, सारा दिन लेटे रहेंगे। तो हम जाते हैं। तो गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं घर से। तो हमें पहुंचाने के लिए हमारे साथ जाना चाहता है ये भी, देखो हमारा जॉनी भी हमारे साथ जाना चाहता है, और एक जा रहे हैं। तो हम अभी बाइक निकल के गेट से बाइक निकाल ही रहे थे, तो अभी जॉनी भी बोल रहा है कि हमारे साथ जाने के लिए। वो देखो मेरे पीछे आके खड़ा है, वो भी जाना चाहता है हमारे साथ कॉलेज में, अकेला बोर हो जाएगा घर पर। तो जॉनी टाटा, आज नहीं ले जा सकते तू बड़ा हो जा, तुझे भी लेके जाएंगे। ठीक है गाइज, मिलते। इसका भाई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मेरे साथ है, नहीं तो मेरे साथ नहीं रहता लड़की को लेके कोने में।
सही में कोने में बैठा होता तो अभी चिप्स खा रहा है। तो अभी है हम कॉलेज के ऊपर, अभी छत पे जाएंगे, तो छत पे जाके पूरा व्यू दिखाएंगे आप लोगों को और कॉलेज का भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं छत के ऊपर। छत के ऊपर का व्यू दिखा रहा है, ये कोई नहीं है छत के ऊपर, हम दोनों ही हैं। तो चारों तरफ जंगल ही है कॉलेज के, देख सकते हो कॉलेज के चारों तरफ जंगल ही है। तो हम पूरे छत के ऊपर है, नीचे का व्यू अभी दिखाते हैं। ये देख सकते हो कॉलेज के चारों तरफ जंगल है और एक जंगली है। तो गाइज ये हमारा कॉलेज का एकदम बीच वाला गार्डन, ऊपर से ऐसा दिखता है। गाइज ये कॉलेज का पीछे वाला साइड जो पूरा जंगल से भरा हुआ है, देख सकते हो पूरा का पूरा जंगल है, इधर कोई घर नहीं है। जंगल लगे तो ये मार्ट है, उसके पीछे तो पूरा जंगल ही है ना। ये मार्ट अभी तैयार नहीं हुआ है, शायद बनाएंगे। अभी मैं गाइस ऊपर में था। तो यहाँ पे है हमारा कैंटीन, तो आप इधर से आते ही पहले आपको कैंटीन दिख जाएगा। यहाँ पे कैंटीन है लिखा है, इसके अंदर खाने के लिए सब कुछ मिलता है। गाइज अभी रुके एक जगह पे इसके घर जाने के लिए। जब भी मैं वीडियो ऑन करता हूँ एक गुस्सा आता है, देखो।
इसे कहते हैं बिजनेस गाइस, इसे कहते हैं बिजनेस, सुपारी का बिजनेस गाइस। देख सकते हो कितना सारा पेड़ है, नारियल का पेड़ भी है, इसे कहते हैं बिजनेस। व्हाट इज दिस बिजनेस गाइस? Why, Dada? Why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. Shut up. Guys, এটা হচ্ছে আমার বন্ধুর বাড়ি, আর বাড়িটা মোটামুটি ঠিকই আছে, সবকিছু ঠিক আছে, কিন্তু একটা জিনিস যেটা, এটা হচ্ছে বিজনেস গাইস, সুপারির বিজনেস। দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে সুপারি আর নারিকেল গাছ, শুধু টাকা আর টাকা। দেখুন কতগুলো সুপারি গাছ এদিক থেকে লাইন ধরে ওই দিক পর্যন্ত, অনেকগুলো সুপারি গাছ আছে। गाइज मैं कॉलेज में और वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मैं बोल रहा था ना कि राहुल दोस्त के घर पे आया था, तो यहाँ पे आते ही ना इतनी ज़ोर का बारिश होने लगा, तो अभी 4 बज गए फिर भी बारिश रुका ही नहीं। देख सकते हो गाइज बारिश की वजह से नदी में कितना पानी हो गया, अभी बहुत ज़ोर की बारिश थी इतनी देर, तो बारिश की वजह से पूरा का पूरा मैं फंस गया यहाँ पे। देखो गाइस जिस नदी के ऊपर से हम हमारे दोस्त के घर पे आए थे ना, वो नदी अब नदी नहीं रही, पूरा बारिश की वजह से देखो उसका हाल क्या हो गया। अब इसके ऊपर से तो जा नहीं सकते, पूरा घूम के जाना पड़ेगा, बहुत दूर पड़ेगा गाइस, कैसे बहुत जगह पैदल जाना पड़ेगा, जाके घर जाना पड़ेगा। गाइस देख सकते हो नदी का हाल, देखो बारिश की वजह से जिस नदी में पानी ही नहीं था, अब उस नदी में क्या हो गया गाइस। अभी बहुत उस तरफ से बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ेगा, जाके बाइक लेके फिर जाना पड़ेगा।